महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के बदले मुस्लिम उलेमाओं की मांग पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव के प्रचार के दौरान खूब उठा रही है और कांग्रेस की चुनावी चाल बता रही है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने आरएसएस पर बैन और 10% आरक्षण जैसी मांगों के एवज में महाविकास अघाड़ी को विधानसभा में सपोर्ट करने का भरोसा दिया है और साथ ही दावा किया है कि एमबीए ने उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की चिट्ठी पर सियासत तेज। महायुति के नेताओं का महाविकास अघाड़ी पर पलटवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की महाविकास अघाड़ी को समर्थन और इसके लिए शर्त को लेकर जमकर सियासत हो रही है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को चिट्ठी लिखकर समर्थन देने के लिए 17 शर्तें रखी हैं। उलेमा बोर्ड की 17 शर्तों में शामिल कुछ मांगे हैं: आरएसएस पर प्रतिबंध, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध, वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता, अतिक्रमण हटाने के लिए कानून, मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण, मुसलमानों को पुलिस भर्ती में वरीयता, विवादित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। खुद को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के अध्यक्ष बताने वाले मौलवी उस्मान रहमान शेख ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने उन्हें भरोसा दिया है कि हमारी मांगे कानून और संविधान के दायरे में जरूर पूरी होंगी, लिहाजा हम महाविकास अघाड़ी को समर्थन दे रहे हैं। रही सवाल हमारे मस्जिदों की, दरगाहों की, जो हमने उनसे मुतालबे किए हैं, तो आप बताइए 47-70 सालों में महाराष्ट्र में मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान की जगह पे अतिक्रमण होते रहे, सरकार ने कोई मदद नहीं की। और जो वक्फ फंड है, जो वक्फ बोर्ड है हमारा महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड, इसको कोई फंड नहीं दिया। और जितनी भी सरकारें बनी इन्हें वक्फ इमलाक को बर्बाद करने के लिए काम किया, लेकिन नाना पटोले जी, शरद पवार, उदय ठाकरे जी ने हमसे कहा है कि जो भी मांगनी आपकी जायज है, संविधान के दायरे में जो भी मांगनी बैठेंगी, हमारी सरकार आने के बाद हम करेंगे। और इंडिया और मा बोर्ड पूरे 48 जिलों में एक ताकत से काम कर रहा है और महाराष्ट्र में बहुत जल्दी एक नया परिवर्तन आने जा रहा है और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांग और उनके महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने पर महायुति के नेताओं ने आपत्ति जताई है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता सलीम सारंग ने तो दावा किया कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जैसी कोई संस्था है ही नहीं। उन्होंने मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया। विकास अघाड़ी को ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड सपोर्ट कहां से दे रहा है, यू नो, और ऊपर से ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों का सपोर्ट है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को 75 साल से, आजादी से लेकर आज तक जो धोखा देने का काम कांग्रेस कर रही है, रुकाया जाए। और इस पे मैं अब जाके पुलिस कंप्लेंट भी करने जा रहा हूं, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करूंगा और इलेक्शन कमीशन को भी ये बात दिखूंगा कि ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड नाम का कोई बोर्ड ही नहीं होता है। ऐसे बोर्ड को बनाकर आप मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे कि ये चार मौलाना को बैठा के कि ये कांग्रेस के साथ है, ये सेकुलर पार्टियों के साथ है। कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को बेवकूफ बनाना, ये यहां ही रुकाना है आपको। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने अलग अलग मुस्लिम संगठनों की ओर से महाविकास अघाड़ी को चिट्ठी लिखने को कांग्रेस की चुनावी चाल बताया। कहा कि कांग्रेस पहले भी ऐसा करती रही है। सब तो गिमिक है, इलेक्शन के गिमिक्स हैं। एक आदमी चिट्ठी लिखता है, दूसरा आदमी जवाब देता है। ये सब एक मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और उन वोटों से खेलने के लिए कांग्रेस का बहुत पुराना प्रपंच है। आज कोई नया थोड़ी है। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सामने आ रहे हैं, उलेमा बोर्ड हो, मराठी मुस्लिम मंच हो, ऐसे नहीं आते हैं, वो कांग्रेस वाले बुलवाते हैं उनको। गृहमंत्री अमित शाह ने भी झारखंड की रैली में महाराष्ट्र के उलेमा बोर्ड की मांग वाली चिट्ठी का जिक्र किया और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की ये मांग संविधान के खिलाफ है। आज महाराष्ट्र में उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि इस देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं दे, मगर ये कांग्रेस पार्टी है जेल।
अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना चाहते। इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने भी महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि एमवीए सरकार में मुसलमानों का भविष्य अच्छा होगा। महाविकास अघाड़ी सरकार ने पिछले 2.5 साल का जो अपना कार्यकाल था बहुत अच्छे से संभाला और उसके अंदर हर चीज को हिंदू मुस्लिम दोनों को सही तरीके से चलाया। और दूसरा कैसा रहा मामला, महाविकास अघाड़ी सरकार के अंदर एक सेकुलरिज्म हमको झलकता हुआ दिखता है। फॉर एग्जांपल, जब भी किसी ने दंगा कराने की कोशिश करी, दंगा हो नहीं पाया, मतलब गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया। और दूसरा कैसा, हमारे को एक चीज जो सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि महाविकास अघाड़ी सरकार के अंदर चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबने सुकून के साथ में अपनी जिंदगी जो जिस तरीके से गुजर बसर होनी चाहिए थी उस तरीके से गुजारी। हमारा कहना यही है कि अगर जो भी इस तरीके की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, उसके साथ हम बैठना चाहिए। मुस्लिम मौलानाओं के एक एक कर सामने आने और एमवीए के पक्ष में वोट करने की अपील के बाद जाहिर है हिंदुवादी संगठन की भी प्रतिक्रिया आएगी और वो बीजेपी नेताओं के बटोगे तो कटोगे वाले नारे को दोहराएंगे।